सो गाइस आप अपनी स्क्रीन पे एक टेबल देख रहे हैं, ऐसी सेम टेबल या किसी भी टाइप की टेबल आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद खुद HTML में कोड करके इसे इजीली क्रिएट कर पाएंगे। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे गाइस, दिस इज देव। सो ये HTML फॉर बिगिनर सीरीज की फिफ्थ वीडियो है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे HTML में टेबल्स को क्रिएट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप मेरे वीडियो ट्यूटोरियल्स को सबसे पहले देख पाएं। सो गाइस, डायरेक्ट कोड एडिटर पे जंप करके HTML में टेबल बनाने से पहले हम ये देखते हैं कि टेबल्स को बनाने के लिए कौन कौन से टैग यूज होते हैं, जिससे हमें क्लैरिटी रहे। सो बेसिकली HTML में टेबल्स को क्रिएट करने के लिए हमको बस इन चार टैग का यूज़ करना होता है। फर्स्ट है टेबल टैग। टेबल टैग बस टेबल्स को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। जब भी आप टेबल्स बनाएं तो सबसे पहले इस टैग को लगा दीजिए, सिंपल है। सो गाइस, अब हमारा सेकंड टैग है TR टैग। सो जैसे कि आपको पता है कि टेबल्स में रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो TR टैग जस्ट आपके टेबल्स में रोज को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। अब हमारा थर्ड टैग है TD टैग। TD टैग टेबल्स में सेल को या कहीं तो टेबल्स में डाटा को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, एंड इसको हम TR टैग के अंदर ही यूज करते हैं। एंड फाइनली हमारा लास्ट फोर्थ टैग है TH टैग। TH टैग सेम TD टैग की तरह काम करता है, बट इसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट बोल्ड होता है, एंड इसको हम अपने टेबल्स की हेडिंग को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। सो जो टैग आपने अभी देखे, इन सब टैग को यूज करके हम एक सिंपल कूल टेबल बनाएंगे। सो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने tables.html की एक फाइल बना रखी है और इस तरह से एक बेसिक मार्कअप डिक्लेयर कर रखा है, और राइट साइड में हमारा इसी फाइल का एक वेब पेज है। सो HTML में टेबल्स को बनाने के लिए आपको सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर जाके टेबल्स को डिफाइन करना होता है। सो हम यहाँ पर टेबल टैग को लगा देते हैं। अब इस टेबल टैग के अंदर हम TR टैग का यूज करके रोज को डिफाइन करेंगे। सो हम TR टैग को लगा देते हैं, सिंपल है। अब इस TR टैग के अंदर हम TH टैग का यूज करके पांच हेडिंग कॉलम को डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपको पता है किसी भी टेबल में सबसे टॉप पे होती है हेडिंग, देन उसके अकॉर्डिंग ही हम डाटा फिल करते हैं। सो मैं टॉप पे जाके TH टैग को लगा देता हूँ। अब इस TH टैग के अंदर आपको कोई भी डाटा दे सकते हैं, जैसे मैं देना चाहता हूँ सीरियल नंबर, देन मैं देना चाहता हूँ फर्स्ट नेम, देन देना चाहता हूँ लास्ट नेम, देन देना चाहता हूँ जेंडर, और लास्ट में मार्क्स। अब अपने पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारी एक रो और पांच कॉलम शो हो रहे हैं। एक बार मैं इसकी स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ फर्स्ट। अब सही है, रिफ्रेश। सो अब हमें क्या करना है, जैसे हमारी एक रो बनी है ऐसे हमें तीन रो और बनानी है। सो कोड में जाके मैं फिर से TR टैग को लगाता हूँ, और अब की बार इसके अंदर हमको TH टैग का यूज नहीं करना, क्योंकि हम हेडिंग को डिफाइन कर चुके हैं और आपको पता है एक बार ही हेडिंग डालते हैं। सो अब की बार हम TD टैग का यूज करेंगे। सो TD टैग, अब इसके अंदर मैं सीरियल नंबर डालता हूँ पहले 1, देन फर्स्ट नेम में डालता हूँ मैं जॉन, लास्ट नेम में डालता हूँ सीना, और जेंडर में डालता हूँ मेल, और मार्क्स में देता हूँ इसको 52। सो अब हमारी एक रो रेडी हो चुकी है, अब हमें बस दो रो और चाहिए। सो मैं इसको लिखने के बजाय इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ दो बार, पहले एक्स्ट्रा स्पेस हटा लूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, देन दो बार पेस्ट। अब हमें बस इसकी वैल्यू चेंज कर देनी है, यहाँ पर 1 था सो मैं यहाँ पर करता हूँ 2, इसको फर्स्ट नेम मैं देता हूँ राहुल, और लास्ट नेम मैं देता हूँ पांडे, मैं इसको मार्क्स देता हूँ 80। और हमें यहाँ पर बस करना है 3, इसको मैं देता हूँ फीमेल नेम देता हूँ सोनाक्षी, गर्ल फीमेल,
और इसको मैं मार्क्स देता हूँ 95। सो अब हमारा कोड रेडी हो चुका है, अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं अपने वेब पेज को। सो गाइस अब आप देख सकते हैं हमारी एक बेसिक टेबल रेडी हो चुकी है। एक बार कोड फिर से चेक करते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट रो हेडिंग वाली, ये थी हमारी सेकंड रो, ये थी हमारी थर्ड रो और लास्ट में ये थी फोर्थ रो। अभी मुझे इसका लुक अच्छा नहीं लग रहा, सो मैं सीएसएस में जाके इसकी हम स्टाइलिंग करते हैं। आप देख सकते हैं मैं टेबल डॉट सीएसएस नाम की एक फाइल बना रखी है सीएसएस की, इसको ओपन करते हैं। मैं सबसे पहले इसके विड्थ चेंज करना चाहूँगा, मीन जो एक टेबल है इसके विड्थ मैं 100% कर देता हूँ। सो टेबल विड्थ 100%। अब मैं इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1px सॉलिड ग्रीन। अब मैं टेबल को बॉर्डर दे दिया, अब मैं कॉलम्स और रोज को भी देता हूँ, मीन TH और TD को भी, TH TD बॉर्डर 1px सॉलिड। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं। सो अब आप देख सकते हैं पहले से कितनी बेटर लग रही है हमारी टेबल, बट जो ये स्पेस है रोज और कॉलम के बीच में ये अच्छा नहीं लग रहा। सो हम इस गैप को भी रिमूव कर देते हैं। सो आपको टेबल पे जाके बॉर्डर कोलैप्स नाम की प्रॉपर्टी को यूज करना है, कोलैप्स, रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी टेबल कितनी सही लग रही है। सो फाइनली आज हमने सीखा कि कैसे हम HTML में टेबल्स को क्रिएट करते हैं। इस वीडियो के कोर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बस आपको एक और चीज़ करनी है कि जो जो चार टैग मैंने इस टेबल को बनाने में HTML में यूज़ करे हैं उसे आप अभी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।